सो गाइज, लास्ट एपिसोड में अर्तुल भाई ने जायज़ा लिया अपने आसपास के कबीलों का। एंड वो जायज़ा लेते लेते एक छोटे से कबीले में, मतलब एक घर में पहुंचे वो, है ना। एंड जो वहाँ पे उन्होंने बात बोली, उन्होंने बहुत सही बात बोली कि सही जो एक मज़लूम के दिल से निकली हुई दुआ आपकी नस्लों को परवान चढ़ाती है। वाह। भाई साहब, कितनी डीप उन्होंने चीज़ बोली थी कल, मुझे बहुत अच्छी लगी वो चीज़। एंड दुआ लेना किसी से, दुआ किसी इंसान के दिल से, खुद से दुआ निकलना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा काम करना चाहिए हमें। एंड अभी देखना कि आगे होगा तो होगा क्या, क्योंकि बेबोलात और अलनजाग दोनों साथ में मिल चुके हैं, दोनों साथ में क्या गुल खिलाएंगे वो हमें देखना है। बट उससे पहले आप कल का एक थोड़ा सा शॉर्ट्स देख लीजिए। सिपाहियों, यही इंतजार करो, दादी से कहो मेहमान आए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो। कौन हो, कहां से आए हो और कहां जाने का इरादा है? अल्लाह ने भेजा है और उसी के पास जाना है। एक मुसाफिर हूँ, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत शुक्र और कनात होती है। एक उम्र गुजारती मैंने, ना तो किसी अमीर को शिकमसीर देखा और ना ही किसी गरीब को भूखा। हमारे पास कुछ जानवर हैं और एक जमीन का छोटा टुकड़ा। हम उगाते हैं और खाते हैं। दुनिया की दौलत से कोई मतलब नहीं। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाया। आज हम आपके लिए लिखे एक बेहतरीन पेशकश, रिलीज अर्तुरुल सीजन 5 एपिसोड नंबर 63। स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखिएगा। तो चलिए आगाज करते हैं। मिस्टर अर्तुरुल सरदार इज बैक। बहुत अच्छा, खुशामदीद भाई, शुक्रिया तुमसे। मैं कुरलुस उस्मान के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। टूटना नहीं, जल गया। अब हम क्या करेंगे जनाब? अर्थुरुल ने मुझे सराय बुलाया है। इस हालत में ये संदूक उसे कैसे दूंगा मैं? देख रहा हूं अर्थुरुल का खौफ तुम पर हावी हो रहा है। तुम एक बाजंतीनी कमांडर की तरह उसके मुखालिफ नहीं, बल्कि उसकी दाद करने वाले एक तुर्क सरदार लग रहे हो। हम उसी की वजह से मंगोलों से महफूज रहे। अर्थुरुल बेशक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अभी हमें उसकी दोस्ती की जरूरत है, और ये टूटा हुआ संदूक हमारी दोस्ती को मुतासिर कर सकता है। तुम्हारा काम मुझे नसीहत करना नहीं, मेरा हुक्म मानना है उरानुस। मुझे गलत समझ रहे हैं आप, मेरा मकसद आपको नसीहत करना नहीं। बस कर। उसने जो हमारे साथ किया उसके मुकाबले में कुछ नहीं। उसने सिपाही मांगे, हमने उसे दिए। कहेगा उसको हमारी वजह से बचा सका, हमें बताए बगैर उसे रवाना कर दिया। हमारा इस्तेमाल करके उसने लंचक से दोस्ती करने की कोशिश की, इसलिए ये दोस्ती एक कर्ज बन गई। हमें अपने तहफुजात का दिफा करना होगा। अर्थुरुल से क्या कहूंगा इस बारे में, कैसे कायल करूंगा उसे?
डेंजर है भाई, अपना पल्ला झाड़ दिया गलती करके। जेंगीच बेवकूफ बेचारा हो रहा है बस। अरे तुरकुत भाई क्यों गुड गुड सरदार। चलो मेरे शेरों, अब अपनी मशक जारी रखो, जल्दी। कौन है? सुलेमान का घोड़ा। अरे सुलेमान का घोड़ा, और उसके घोड़े में वो फरमान भी है। ढूंढो गाइस प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। हम येलान की पहाड़ी पर जाकर तलाश करेंगे। अल्लाह हमारे सुलेमान की हर हाल में हिफाजत फरमाए। आमीन। जब तक आप
अच्छा जी, लेकिन यह महारत उस ताले की नहीं बल्कि उसे खोलने वाले की होती है। अगर कुंजी पास ना हो तो ताला तोड़ देना चाहिए। क्यों हंस रहे हो? से हंसना अच्छा नहीं है। अच्छी बात है। अब इनके पास आएंगे वो। मस्सा लगा क्या है? तो संदूक ले आए तुम यहाँ? हाँ बिल्कुल। मगर जैसा चाहते थे वैसा नहीं। क्या हुआ? कुछ बताओगे? पता नहीं क्या जोड़ के लाया होगा। उतरी टूटी हुई, सब जल गए। हंस रहे अर्थर भाई। संदूक टूट चुका है। जैसा आपके रहने की वजह से सारे कागजात जल चुके हैं। बदकिस्मती से दिमाग लगाया भाई इसने। अर्थुर, बहुत शर्मिंदा हूं कि संदूक तुम तक सही सलामत नहीं पहुंचा सका। रो दे एक बार बस। टेंशन होता से नहीं हो रही। इसके बस कुछ भी करने को तैयार हूं मैं। जब से हमारे इत्तेहाद का मुआहदा हुआ है बहुत मदद की है तुमने। इस संदूक की वजह से इत्तेहाद को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन अब इस संदूक से भी ज्यादा अहम मसला हमें दरपेश है। इत्तेहाद का मुजाहरा अब सही मानों में होगा। कैसे? उसके हाथों से अब सब निकल चुका है। वो जंजीरों को तोड़कर आजाद होने वाले किसी वैश्य की तरह हमला करेगा। सही बात है। मुझे सरदार आला का मनसब वापस मिलने पर मुझसे इंतकाम लेगा। मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? अपने तौर पर हिफाजती इकदाम कर लिए हैं मैंने। हर तरह से तैयार हूं मैं। तुम भी अपने तौर पर मोहतात रहो। मंगोलों से दोस्ती भेड़िए से दोस्ती की मानिंद है। ये दोस्त नहीं है किसी के। मिलकर लड़ना होगी हमें ये जंग, और हमें इस महाज पर अपने तमाम जंगी वसाइल इस्तेमाल करना होंगे। जो भी कर सका करूंगा मैं।
इत्तेहाद करने का फायदा देख लिया है तुमने, अलंजक को किले पर हमला करने से रोका और सरदार आला का मनसब भी वापस ले चुका हूं। अगर आप उनसे काम लोगे अपनी और हर महाज पर जीत की ख्वाहिश है तो हमारे इत्तेहाद के इस मुआहदे में बददियानती न करना कभी। जो दुश्मन सोत में तुमने देखे हैं वो गर्द व गुबार से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये गर्द व गुबार हवा के साथ उड़ जाता है लेकिन चट्टान अपनी जगह कायम रहती है। समझ गया मेरी बात? समझ गया। मुझे इजाजत और तुम के लिए वापस जाना होगा। एस्ट्रोल सरदार, बहुत शुक्रिया। सिर्फ एस्ट्रोल नहीं, बेवकूफ, नॉनसेंस, पीछे देख ऐसे शेप बनाई हुई है इसने, क्या है ये, कुछ भी नौटंकियां करता है। आ गए हैं अब मिस्टर अलांचाक। अरे बाप रे, आज इसने बंदा नहीं बिठाया नीचे, आज वो अपने आप उतर गया। अभी बेचारा ढिल्ला हो गया ना वो, इसलिए वो देखो उसके बंदे कैसे देख रहे हैं। अर्जुन कहाँ है? अंदर है। अरे उरेनोस। बंदे लेके जा रहा है अकेला यार, दम है तो आना। पप्पा आ गए तुम्हारे बेटा। लंचाक सलाम करो। सब कैसे अपनी तलवारों को पकड़ के खड़े हैं ऐसे। मैंने जो कहा था वो कर चुका हूं। हम
सही बात है। अगर मुझसे इस पर जवाब तलब करने आए हो तो जान लो कि तैयार हूं मैं। बेटे जा बीबी, टाइम है तेरे पास। रिएक्शन ऑन ड्रिलिस एर्थ्रुल सीजन 5 एपिसोड नंबर 63। बहुत इंटरेस्टिंग था ये एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखने के सुलेमान मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक अ वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।